नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस में जहां पूरी तरह से उथल पुथल मची है, तो अन्य पार्टियां इसका लाभ लेने में लगी है। विवादों में और झगड़ों से घिरी ये कांग्रेस पार्टी मानव संकट से उभर ही नहीं पा रही। सबसे पहले चौधरी रंजीत सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। माना जाता था कि वो एक दिग्गज नेता हैं और पूरे हलके में उनका प्रभाव भी है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात ये थी कि डॉक्टर अशोक तंवर, जो पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है, इसी को लेकर के चर्चाएं गर्म है। अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पर टिकाऊ टिप्पणी करने में लगे हैं। अशोक तंवर के कांग्रेस छोड़ने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर एक बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अशोक तंवर ने चुनाव से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि चुनाव के बाद तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं अनिल विज ने क्या कहा पल पल की इस खास रिपोर्ट में। आज आप प्रत्याशियों को समर्थन देगी, अब ऐसा तो हमने सोचा। अशोक तंवर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अशोक तंवर अकलमंद हैं, जब उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ दी, बाकी चुनाव के बाद छोड़ देंगे, कांग्रेस में कुछ नहीं बचेगा, हरियाणा कांग्रेस मुक्त हो बीजेपी में वापस। आज आप प्रत्याशियों को समर्थन देगी, अब ऐसा तो हमने सोचा। अशोक तंवर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अशोक तंवर अकलमंद हैं, जब उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ दी, बाकी चुनाव के बाद छोड़ देंगे, कांग्रेस में कुछ नहीं बचेगा, हरियाणा कांग्रेस मुक्त हो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है।